डिविजिबिलिटी इन जेड वीडियो नंबर 6, यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में। इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक भी कहते हैं। यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम, इसी को बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एवरी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन एन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ फाइनाइट एज द फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव प्राइम्स। ये स्टेटमेंट है। एवरी पॉजिटिव इंटीजर एम ग्रेटर देन वन, एवरी पॉजिटिव इंटीजर एम ग्रेटर देन वन कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली एज द फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव प्राइम्स लिख दो या प्राइम इंटीजर्स लिख दो, यही एक से बड़ा हर धन पूर्णांक अद्वितीय रूप से धनात्मक अभाज्य पूर्णांकों के फाइनाइट प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। प्रैक्टिकली अगर फील करना चाहें तो देखें, एक से बड़ा हर इंटीजर, दो लिया मान लीजिए तो 2 बराबर 2, अब इसमें तो एक ही फैक्टर होगा। 3 ये भी ऐसे ही रहेगा, 5 ये भी ऐसे ही रहेगा, 6 ये हो गया 2 क्रॉस 3, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, कुल कितने प्राइम से 2, 7 ही रहेगा, 8 2 × 2 × 2 ये प्राइम है, 7 8 9 3 × 3 प्राइम इंटीजर्स के प्रोडक्ट के रूप में अद्वितीय प्रकार से, 10 2 × 5 11 ही रहेगा, 12 ये देखो, 13 ही रहेगा, 14 2 × 7 ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, 15 3 × 5 ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, 16 ये 17 ही रहेगा, 18 ये देखो, ये सब प्राइम्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है, यूनिकली लिखा जा सकता है। जैसे 8 ही है, 8 के 3 फैक्टर्स हैं और तीनों 2 ही हैं, 15 के 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 3 1 5 है बस। अब आप ये नहीं कहेंगे कि 15 को हम 5 × 3 के रूप में भी तो लिख सकते हैं, तो अद्वितीयता कहाँ रही? हाँ, ये जो ऑर्डर है फैक्टर्स के, ये आप बदल सकते हैं, इसको नहीं माना जाएगा इस स्टेटमेंट के तहत, उसको नहीं कंसीडर किया जाएगा, एक्सेप्ट पॉसिबली द ऑर्डर इन विच द फैक्टर्स आर रिटन। ठीक, माने ये जो बातचीत हो रही है वो फैक्टर्स जिस क्रम में लिखे गए हैं उस क्रम को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। हमने कह दिया कि 18 को आप पॉजिटिव प्राइम्स के प्रोडक्ट के रूप में अद्वितीय प्रकार से लिख सकते हैं, तो अद्वितीयता किस बात की है? कि उस फैक्टराइजेशन में जो प्राइम इंटीजर्स इन्वॉल्व हैं, जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, वो यूनिक हैं। जैसे कौन कौन है, 2 है 3 है 3 है बस, और कोई नहीं हो सकता। प्रूफ,
हम कंट्राडिक्शन से शुरू कंट्राडिक्शन टेक्निक अपनाएंगे। हम ये मान ले रहे हैं कि पॉजिटिव इंटीजर m जो एक से बड़ा है वो फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव प्राइम इंटीजर्स के रूप में दो प्रकार से लिखा जा सकता है, तो उन दो प्रकारों से चलिए लिख दिया जाए। लेट पी आईज एंड क्यू जेज बी पॉजिटिव प्राइम्स सच दैट एम इज इक्वल टू पी वन इंटू पी टू इंटू पी थ्री इंटू सो वन इंटू पी आर नंबर वन एंड एम इज इक्वल टू क्यू वन इंटू क्यू टू इंटू क्यू थ्री इंटू सो वन इंटू क्यू एस नंबर टू। वी हैव टू प्रूव दैट आर इज इक्वल टू एस। नाउ P1 divides P1 into P2 into P3 into so on into PR. कोई डाउट नहीं। डिवाइड करता है माने डिविजर है, डिविजर है माने फैक्टर है, तो इस पूरे का फैक्टर है ना P1। अगर P1 इस प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो P1 इस प्रोडक्ट को भी डिवाइड करेगा क्योंकि ये दोनों बराबर है। P1 divides Q1 into Q2 into Q3 into so on into Qs by 1 implies that P1 divides Q1 or Q2 or Q3 or so on or Qs. Because we know that if P is prime and P divides Mn, then P divides either M or N. इनमें से किसी को जरूर डिवाइड करेगा, आइए मान लिया जाए। Let P1 divide Qi, then मान लीजिए P1 Qi को डिवाइड करता है तो ये दोनों बराबर होंगे। देन P1 इज इक्वल टू Qi, कारण लिख दीजिए, चूंकि P1 एंड Qi बोथ आर प्राइम। एक प्राइम इंटीजर दूसरे प्राइम इंटीजर को नहीं डिवाइड करता है जब तक कि वो दोनों बराबर ना हो, इसलिए P1 बराबर Qi। तो देखो इसका एक P1 इसके किसी Qi के बराबर हो गया और ये दोनों बराबर हैं आपस में, तो इधर से P1 कट जाएगा, इधर से Qi कट जाएगा, और अब आपके पास क्या है। शुरुआत हम समझ रहे हैं यहां से कर देते तो अच्छा रहता। नाउ P1 इंटू P2 इंटू सो ऑन इंटू पी आर इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2 इंटू सो ऑन इंटू क्यू एस, और इसको नंबर तीन कर लेते हैं। दस ये जो थ्री है ये अब रिड्यूस कर जाएगा, किसमें रिड्यूसेस टू, इधर से पी वन इधर से क्यू आई कैंसिल हो गया, तो हो गया पी टू इंटू पी थ्री इंटू सो ऑन इंटू पी आर इज इक्वल टू Q1 into Q2 into so on into Q, Qi कट चुका है तो Qi minus 1 into Qi plus 1 into so on into Qs नंबर चार। एक स्टेप का काम पूरा हो गया, बिल्कुल उसी पैटर्न पे दूसरा स्टेप। Now P2 divides P2 into P3 into PR ऑब्वियसली, तो अगर P2 इस प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो P2 इस प्रोडक्ट को भी डिवाइड करेगा, इंप्लाइज दैट
पी टू डिवाइड्स क्यू वन इंटू क्यू टू इंटू सो वन इंटू क्यू आई माइनस वन इंटू क्यू आई प्लस वन इंटू सो वन इंटू क्यू एस implies that P2 divides Q1 or Q2 or so on or Qi minus 1 or Qi plus 1 or so on or Qs. Because we know that if P is prime and P divides Mn, then P divides M or P divides N. यहां पर एक लॉजिक लिखना चाहे तो लिख दें, सिंस पी टू इज प्राइम प्राइम इंटीजर यदि किसी प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है तो वो उस प्रोडक्ट के किसी न किसी फैक्टर को जरूर करेगा। मान लिया पी टू क्यू जे को डिवाइड करता है, लेट पी टू डिवाइड क्यू जे, देन ये दोनों बराबर होंगे, P2 बराबर QJ। लॉजिक, चूंकि P2 और QJ दोनों प्राइम है, P2 एंड QJ बोथ आर प्राइम, दस फोर रिड्यूसेस टू बाई फोर में बाई तरफ का P2 दाहिनी तरफ के QJ से कैंसिल हो गया, दस फोर रिड्यूसेस टू, पी थ्री इंटू पी फोर इंटू सो वन इंटू पी आर इज इक्वल टू क्यू वन इंटू क्यू टू इंटू सो वन इंटू क्यू आई माइनस वन इंटू क्यू आई प्लस वन इंटू सो वन इंटू क्यू जे माइनस वन इंटू क्यू जे प्लस वन इंटू सो वन इंटू क्यू एस। नंबर पांच, लिखने में लंबाई ज़्यादा दिख रही है लेकिन इधर फैक्टर कम होता जा रहा है, इधर भी फैक्टर कम होता जा रहा है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम थ्री ईच स्टेप एक्सक्लूड्स वन पी फ्रॉम लेफ्ट एंड वन क्यू फ्रॉम राइट, यही घटना घट रही बराबर। Starting from 3, each step consists in the exclusion of one P type factor from left hand side and one Q type factor from right hand side। समझ रहे हैं ना? अब हम ये कह रहे हैं कि P type factors की संख्या Q type factors की संख्या से कम नहीं है, क्लियरली उसको लिखने गया तो क्लेम करके लिख दें या तो ऐसे कर दें कि ऐसा तो होगा ही। क्लियरली ऑल पीज कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड बिफोर क्यूज बिकॉज In that case, product of some positive primes will become one.
विच इज नॉट पॉसिबल। ध्यान रखना, वन प्राइम नहीं होता है, विच इज नॉट पॉसिबल। इसमें बात ये लिखी गई है कि इस बाईं तरफ से सारे पीस एग्जॉस्ट हो गए और दाहिनी तरफ क्यूज कुछ बच गए। तो जब सारे पीस एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो बाईं तरफ वन बचेगा लास्ट में, और इधर कुछ लोग बच जाएंगे, तो इधर कुछ लोग बच जाएंगे जिनका प्रोडक्ट वन के बराबर है, यानी कुछ पॉजिटिव प्राइम इंटीजर्स का प्रोडक्ट वन के बराबर है, जो कि संभव है। तो दाहिनी तरफ कुछ फैक्टर्स बचे ये संभव ही नहीं है। यानी जैसे ही सारे पीस एग्जॉस्ट हो जाएं, वैसे ही सारे क्यूज एग्जॉस्ट हो जाएं। यानी कि नंबर ऑफ पीस उतने ही है जितने नंबर ऑफ क्यूज हैं। Thus, the number of P's is equal to the number of Q's. Hence, every positive integer m greater than 1 can be expressed uniquely as the finite product of finite product mein factors ki sankhya finite product of positive primes comma except possibly the orders in which factors are written it completes the proof of unique factorization theorem। अब इस पर बेस्ड एक छोटा सा रिजल्ट और हम लोग डिस्कस कर लें थ्योरम के रूप में। नंबर ऑफ पॉजिटिव प्राइम्स इज इनफाइनाइट, नंबर ऑफ पॉजिटिव प्राइम्स is infinite, positive primes की संख्या अनंत है, असीमित है। प्रूफ देखिए, लेट पी वन कामा पी टू कामा सो वन कामा पी एन। देखो ये कामा का डिसिप्लिन भी हम सिखाते हैं बच्चों को। अब यहाँ भी कामा लगना चाहिए, यहाँ भी कामा लगना चाहिए, बच्चे प्रायः यहाँ और यहाँ छोड़ देते हैं, और अगर यहाँ लगा दिए तो पक्का जानिए यहाँ जरूर छोड़ते हैं। काफ़ी जाते समय यही दिखता है लोगों को। बी द ओनली एन पॉजिटिव प्राइम्स, बी द ओनली n पॉजिटिव प्राइम्स। उल्टी बात मान लीजिए, देखो हमें सिद्ध करना है कि पॉजिटिव प्राइम्स की संख्या अनंत है, असीमित है। हमने मान लिया कि सीमित है, फाइनाइट है, और वो भी n मान लिया। मान लिया पॉजिटिव प्राइम्स की संख्या n है, और वो पॉजिटिव प्राइम्स p1 p2 pn है।
एन बीइंग फाइनाइट, ये भी लिख दो, एन बीइंग फाइनाइट फुल स्टॉप। लेट अस कंसीडर द प्रोडक्ट, लेट अस कंसीडर द प्रोडक्ट पी वन डॉट पी टू डॉट सो वन डॉट पी एन, और इस प्रोडक्ट को डिनोट कर दिया हमने ए से। आओ कुछ प्राइम्स लिखें, टू थ्री फाइव और लिखें, बस करो इतने, तीन लेके देख लो। तो जो प्रोडक्ट हमने लिया है ए, वो कौन है, टू इंटू थ्री इंटू फाइव, ये बराबर कितना होगा, ये होगा थर्टी। ए प्लस वन बराबर कितना होगा, थर्टी वन। ए प्लस वन इन प्राइम्स में से किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, इज इट करेक्ट, कुछ भी लेके देख लो आप। दूसरी स्थिति, केवल दो लेके देख लें आप, टू कॉमा थ्री, तो ए किसको डिनोट करेंगे, टू प्लस टू इंटू थ्री बराबर सिक्स, तो ए प्लस वन क्या हुआ, सेवन। टू डजेंट डिवाइड सेवन, थ्री डजेंट डिवाइड सेवन, कभी नहीं डिवाइड करेगा, ये प्राइम है ना, इसलिए। देन ए प्लस वन इज नॉट डिविजिबल बाय पी वन और पी टू और सो ऑन और पी एन, ब्रैकेट में लिख दें, एज पी आईज आर प्राइम्स, बट ए प्लस वन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, इज अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन वन, एंड सो बाई यूनिक फैक्टोराइजेशन थ्योरम ए प्लस वन कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड, कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ, फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव प्राइम्स। तो जो ये बात लिखी गई है और जो ये बात लिखी जा रही है, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, विरोधाभास हैं, दोनों एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। ए प्लस वन के पास प्राइम फैक्टर्स हैं और ए प्लस वन प्राइम नंबर से बिल्कुल डिवाइड होने के लिए तैयार नहीं। That is, A plus 1 has positive prime divisors, has positive prime divisors, which is a contradiction, which is a contradiction. Hence the number of positive primes is infinite. Hence the number of positive primes is infinite. वीडियो को लाइक करें, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। ये लाइक करना, सब्सक्राइब करना, इसके बारे में हम अपने प्रिय विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को मैं यही सीख देता हूँ
यूट्यूब पर आप किसी भी वीडियो को देख रहे हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल ट्रेनिंग दे रहा हूँ बच्चों, तुम्हें किसी का वीडियो आप देख रहे हो तो आपको वीडियो अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, और अच्छा नहीं लगता है तो आप आगे बढ़िए, छोड़िए, लीव इट। आप डिसलाइक ना करें। कोई मेहनत करके वीडियो बनाता है तो आप उसकी मेहनत पे पानी ना फेरें, क्योंकि आपके डिसलाइक करने से वो वीडियो बनाना छोड़ नहीं देगा, फिर अपना मन गंदा क्यों करना। तो फिर से मैं आपको सिखा रहा हूँ, कोई वीडियो आपने देखा, या तो लाइक करेंगे या तो नहीं करेंगे। लाइक करिए तो ठीक है, और नहीं पसंद है तो आगे बढ़िए। और यदि आपने वीडियो को लाइक कर दिया तो इसका मतलब होता है कि उस व्यक्ति के और भी वीडियोस को आप देखना पसंद करेंगे। ऐसी ही स्थिति में चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए। बातचीत जारी रहेगी। थैंक यू।